एक दिन कुछ भक्तों ने एक बड़े चित्रकार से भगवान कृष्ण और कंस के चित्र बनाने की इच्छा जाहिर की। चित्रकार चित्र बनाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन चित्रकार ने कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं, मुझे भगवान कृष्ण का चित्र बनाने के लिए नटखट बालक और कंस के लिए क्रूर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति चाहिए, यदि यह मिल जाए तो मैं आसानी से चित्र बना सकता हूँ। सभी भक्त मिलकर एक सुंदर बालक को ले आए। सुंदर बालक को चित्रकार ने सामने खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण का सुंदर चित्र बनाया। अब बारी थी कंस के चित्र बनाने के लिए। कंस बनाने के लिए जो व्यक्ति लोगों को पसंद आता वह चित्रकार को पसंद नहीं आता। चित्रकार को किसी भी व्यक्ति में वो भाव नहीं मिले जो कंस के भाव से मेल खाते हो। ऐसे ही कई साल बीत गए। तब थक हार कर भक्तों ने चित्रकार को जेल ले गए। वहाँ पर कई सारे अपराधी थे। आखिरकार उनमें से एक को चित्रकार ने पसंद किया और उसके भावों को देखकर कंस का चित्र बनाया। सभी भक्त चित्र देखकर बहुत खुश हुए। अपराधी ने भी तस्वीर देखने की इच्छा जाहिर की, पर अपराधी ने जब वह तस्वीर देखी तो वह रोने लगा। सभी ने इसका कारण पूछा तो वह बोला, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं ही वह बच्चा हूँ जो इसमें बालकृष्ण बना हूँ, और अपने कुकर्मों के कारण आज मैं कंस भी बन गया। इस चित्र में मैं ही कंस और मैं ही कृष्ण भी हूँ। कहानी की सीख, हमारे कर्म ही हमें अच्छा और बुरा व्यक्ति बनाता है।